तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं स्पाई एक्स फैमिली का एपिसोड नंबर 7। पर उससे पहले अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके उन एपिसोड्स को देख सकते हो। अब बिना डाइवर्ट किए स्टार्ट कर। वो पर्सन योर पर हमला कर देता है, तब योर सोचती है, मैंने आज तक ऐसा फाइटर नहीं देखा है, क्या ये मिड रेंज टाइप का फाइटर है? और इन दोनों को लेकर तो मैं भाग भी नहीं सकती, तो लगता है मुझे इसके ऊपर हमला ही करना पड़ेगा। और तब हम देखते हैं योर उस आदमी के करीब जाने लगती है, पर तब योर सोचती है, ये तो मुझे अपने करीब भी नहीं आने दे रहा है। और तब हम देखते हैं सभी लोग वहाँ इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, तब योर सोचती है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी। और तब वहाँ आन्या आ जाती है, तब योर सोचती है, आखिरकार आन्या यहाँ पर क्या कर रही है? अगर इसने मुझे ऐसे लड़ते हुए देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और तब वहाँ आन्या कहने लगती है कि ये सर्कस लेडी तो बहुत कमाल की है। और सभी लोग आन्या की बात सुनकर उन सभी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। तब योर सोचती है, ये तो सच में कमाल हो गया, और लगता है आन्या ने भी मुझे अभी तक पहचाना नहीं है, तो मैं इस चीज का फायदा उठा सकती हूँ। यहाँ पर सभी लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, और मुझे अभी ओल्का और उसके साथियों को भी बचाना है। ये तो सच में बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और मैं तो इसके करीब भी नहीं पहुँच पा रही हूँ। आखिरकार मुझे ये क्या हो रहा है? क्या मैं आगे बढ़ने से खुद को रोक रही हूँ? मुझे तो इस वेपन के साथ ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए थी। और अगर ऐसी बात है तो इस वेपन का डैमेज सहकर इस चेन को अपनी तरफ खींचना होगा, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये लोग मुझे परफॉर्मर नहीं समझेंगे और मुझ पर शक करेंगे। और तब हम देखते हैं सभी लोग उस किलर को कुछ ट्रिक्स दिखाने के लिए कहते हैं। तब वो किलर सोचता है, ये लड़की मेरे रास्ते में आ रही है, और अब सभी लोगों ने हमें देख भी लिया है, लगता है मुझे इसके करीब बढ़ते बढ़ते इन सभी को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। और तो वो अचानक से देखता है कि योर उसकी तरफ बढ़ रही होती है, और तब हम देखते हैं वो जैसे योर पर हमला करता है, योर उसके चैन की मदद से ही उसे बांध देती है और उसके नसों पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। और सभी लोग उसकी ये परफॉर्मेंस को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तब आन्या सोचती है, मॉम तो सच में बहुत खतरनाक है, मुझे लगता है मुझे अगली बार से इनकी सारी बातें माननी चाहिए। तब आन्या को सुनाई देता है कि उसके फादर बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं, और तब वो भागते हुए स्टोर के अंदर आ जाती है और सोचती है, शुक्र है मैंने फादर को मदर के बारे में पता नहीं लगने दिया, हीरो आन्या ने बहुत अच्छा एडवेंचर पूरा किया है। और तब हम देखते हैं लॉयड एक फनी कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आ जाता है और सोचता है, इस कॉस्ट्यूम को चाहे जिस मर्जी तरह देखो, पर ये प्लेफुल और हैप्पी फादर की निशानी है। तब आन्या कहती है, ये बहुत घटिया है, इसे उतार दीजिए। और तब हम यहाँ देखते हैं शिप के वर्कर्स ने ओल्का का पुराना रूम ठीक कर दिया होता है। और तब हम देखते हैं एक असैसन उस रूम में चला जाता है। तब वो असैसन अंदर आके उस जगह की खुशबू लेकर सोचता है, ये परफ्यूम तो मेंशन के परफ्यूम से बिल्कुल अलग है, लगता है वो लोग अपने हुलिये के साथ साथ और भी काफी चीजें चेंज कर रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर जरूर दो फीमेल्स और एक मेल रहे होंगे, पर मुझे फिर भी किसी भी फीमेल बॉडीगार्ड की स्मेल नहीं आ रही है। और तब वो अपने साथी से उन लोगों की मूवमेंट्स के बारे में पूछता है। तब वो पर्सन कहता है, लगता है वो लोग सेकंड या फिर थर्ड क्लास के गेस्ट रूम में रुके हुए हैं, पर मुझे अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पता चला है। तब वो असैसन कहता है, मुझे लगता है हमें वहाँ पर कुछ लोग भेजने होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कल की मीटिंग में वहाँ पर जरूर आएंगे, तो इसलिए तुम्हें वहाँ पर ध्यान रखना होगा। और तब हम देखते हैं दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें वो लोग मिले? वो इन्फॉर्मर तो बहुत ज्यादा यूजलेस था, मुझे तो लगता है वो अब तक हमारे पैसों को लेकर भाग चुका होगा। तब दूसरा पर्सन कहता है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ होगा, और अगर ऐसा होगा भी तो हम उसे शिप से उतरने से पहले पकड़ लेंगे और उससे अपने पैसे वापस ले लेंगे। और तब वो इन्फॉर्मर सोचता है, लगता है अब मुझे अपने लिए भी कुछ तैयारी करनी होगी। और तब हम यहाँ देखते हैं आन्या नींद में इधर उधर गिर रही होती है, और तब लॉयड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब आन्या योर के पास जाने के लिए कहती है। तब लॉयड कहता है, अभी उसे काम है तो उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो चलो फिर अब सोने चलो। तब आन्या कहती है, आन्या का एडवेंचर तो अभी शुरू ही हुआ है। और तब हम देखते हैं वो वही पिलर के साथ टकराकर सो जाती है, और तब लॉयड उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है और सोचता है, योर की तरफ से कोई फोन नहीं आया है, लगता है वो सच में बहुत ज्यादा बिजी होगी। और तब यहाँ योर रूम को चेक करके कहती है, लगता है अब हम पर कोई नजर नहीं रख रहा है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए
सेफ है और लगता है चीफ ने हमारे लिए खाने का इंतजाम भी कर दिया है, तो इसलिए अब हम पिकअप शिप के यहाँ आने तक यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। और तब ग्रे चीखते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना था, क्या वो लोग सच में एक असैसिन्स थे? मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है और मुझे घर वापस जाना है। तब उल्का उसे चुप रहने के लिए कहती है। तब ग्रे कहता है, क्या तुमने उन लोगों को देखा नहीं, वो कितने खतरनाक थे? तब उल्का कहती है, क्या तुम सच में एक मर्द हो? मुझे तो तुम्हें देखकर रोना आ रहा है। और अपने बच्चे से कहती है, तुम्हें बड़े होकर इसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। पर ग्रे मुझे एक चीज बताओ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम तो किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते थे। और तब ग्रे शर्माते हुए उल्का का नाम लेने लगता है, पर अपनी बात को बदल कर कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि मैं अपने बॉस के सारे कर्ज भूल जाऊँ। वॉर के बाद हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था, और अगर इस फैमिली ने वहाँ पर कब्जा ना किया होता तो अब तक हम मर चुके होते। और तब हम यहाँ देखते हैं उल्का वॉर के बाद ग्रे को एक ब्रेड देती है। तब यहाँ ग्रे कहता है, मैं आज तक उस ब्रेड का टेस्ट नहीं भूला हूँ, और वही एक रीजन मुझे यहाँ पर रोकने के लिए काफी है। और वैसे भी हापून ने उस टाइम वॉर से प्रॉफिट कमाने की कोशिश की थी, तो वो सच में एक बहुत बेकार आदमी है, तो इसलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि अगर यहाँ पर हापून के लोग आएंगे तो मैं उन्हें हरा दूंगा। और तब हम देखते हैं जैसे उनके दरवाजे पर नॉक होती है, ग्रे पूरी तरह से डर जाता है। और तब हम देखते हैं बाहर डायरेक्टर आए होते हैं और योर से कहते हैं, तुम मेरे नॉकिंग सिग्नल को भूल गई थी, तो इसलिए तुमने पुराने रूम का दरवाजा खोल दिया था। और तब योर अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। तब डायरेक्टर कहते हैं, अब आप लोग आराम कीजिए, और अब ये रूम के बाहर नजर रखेगी, और मैं इस फ्लोर पर घूमता रहूंगा ताकि मैं एनिमीज की गिनती को कम कर सकूं। तब ग्रे कहता है, आप तो सच में बहुत अमेजिंग हो, आप तो अपनी लाइफ को खतरे में देखकर भी बहुत कूल रह रहे हो। आपके मुंह से मारने और मरने के बारे में सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 साल के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो क्या आपका मतलब ये है कि अभी भी यहाँ पर लड़ाई चल रही है? तब डायरेक्टर कहते हैं, जब तक इंसान जिंदा रहेंगे तब तक ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वॉर का टाइम है या फिर शांति का, हम इस कंट्री के सोल्जर्स हैं, तो इसलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। और योर, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो अपने फुटस्टेप से मुझे सिग्नल देना, और यहाँ पर सबका ध्यान रखना और इस मिशन पर फोकस करो, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। और तब योर उन दोनों को आराम करने के लिए कहती है और वहाँ की लाइट्स बंद करके आराम से बैठ जाती है। और तब थोड़ी देर बाद योर सोचती है कि अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैंने काफी टाइम से लॉयड और बाकियों से बात नहीं की है, मुझे पता है ये उनके साथ मजे करने की सिचुएशन नहीं है, और अगर मैं सोचूं तो उस टाइम मैं उससे लड़ते समय इसलिए हेजिटेट कर रही थी क्योंकि मैं डर रही थी कि कहीं मुझ पर कोई ऐसी चोट ना लग जाए जिसे मैं उनसे छुपा ना सकूं और उसके बाद उस घर में वापस भी ना जा पाऊं। और तब उसे उल्का की बात याद आती है जिसने उससे पूछा था कि तुम्हारी ये फैमिली झूठी है ना। तब योर सोचती है, तुम्हें इस फैमिली के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें इस टाइम अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान रखना चाहिए, पर मुझे लगता है मुझे खुद से पूछना ही होगा कि आखिरकार मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। और तब हम यहाँ देखते हैं फ्रैंकी बॉन्ड को घुमाने लाया होता है और वो उसे घुमाने को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं एक लड़की बॉन्ड की तारीफ करने लगती है और फ्रैंकी से कहती है कि मैंने यहाँ पर आपको पहली बार देखा है, क्या आप यहाँ पर नजदीक ही रहते हैं? और तब हम देखते हैं वो लोग कुछ देर बात करते हैं और तब वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तब फ्रैंकी बॉन्ड से कहता है, क्या तुम मेरा कुत्ता बनना पसंद करोगे? और तब हम यहाँ देखते हैं लॉयड सोच रहा होता है कि मेरा नाम ट्विलाइट है और मैं वेस्टलाइज का टॉप स्पाई हूँ, मैंने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन किया है कि मैं मौत की सिचुएशन में भी शांत रह सकता हूँ, और मैंने अपनी सारी स्किल्स को बहुत ज्यादा तेज किया है, पर फिर भी इस दुनिया में काफी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी नॉलेज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ह्यूमन को डर अननोन चीजों से लगता है और ये अननोन ही है जो डर को इनवाइट करता है। कुछ लोग उन चीजों को मानने से इनकार कर देते हैं जो उनकी समझ से बाहर है, और या फिर ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उन्होंने उसे देखा ही ना हो, और कुछ लोग ऐसी चीजों को लेबल कर देते हैं ताकि वो शांत रह सके। मैं एक स्पाई हूँ तो इसलिए मैं अननोन से नहीं डरता, पर रुको, शायद मैं इससे डरता हूँ, पर क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है तो
इसलिए मैं इसे ध्यान से हैंडल करता हूँ। और आज इस क्रूज के सेकंड दिन मैं सिचुएशन से बाहर निकल के ही रहूंगा। और तब यहाँ डायरेक्टर अपने दोनों साथियों को ग्रे और उनकी वाइफ के बीच में लड़ाई की वजह से उन्हें छुट्टी दे देते हैं और उन्हें आज के दिन के लिए वहाँ पर फ्रीली घूमने के लिए कहते हैं। और तब यहाँ अन्या अपने आज के एडवेंचर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और गाना गा रही होती है। तब लॉयड उसका गाना सुनकर सोचता है, लगता है मुझे इस गाने को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि इस गाने में ऐसा है क्या। तब अन्या सोचती है, मैं कल सो गई थी पर मुझे आज अपनी मॉम को ढूंढकर उनकी मदद करनी होगी, और अगर मैंने इसके बारे में पापा से कहा तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकती और अब मुझे अपने फादर को कहीं छोड़कर जाना होगा। और तब अन्या अपने फादर को गोल्फ खेलने के लिए ले जाती है और सोचती है, जब मेरे फादर बिजी होंगे तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। पर हम देखते हैं लॉयड उस गेम को एक ही बारी में खत्म कर देता है जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और तब वो अन्या को भी खेलने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं अन्या से निशाना लग नहीं रहा होता है, और तब थोड़ी देर बाद लॉयड उसे खाना खाने के लिए कहता है। तब अन्या कहती है, पर मैं जब तक इसे पूरा नहीं कर लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब लॉयड सोचता है, तो इसका मतलब इसके लिए जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मुझे इसे तब तक खेलने देना होगा जब तक ये जीत नहीं जाती। और तब हम यह देखते हैं थोड़े टाइम बाद अन्या खाना खाते हुए सोच रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पापा के प्लान में फंस गई और अब मैंने अपना आधा दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। अब मुझे यहाँ से निकलने का कोई और प्लान बनाना होगा। पापा को बुक्स भी बहुत पसंद है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ पर बिजी रह सकते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं लॉयड सोचता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी बुक्स हैं पर मैंने तो इन सभी को पढ़ रखा है। और तब हम देखते हैं अन्या वहाँ पर भी मांगा पढ़ के मजे कर रही होती है, और तब अन्या अपने फादर को अलग अलग जगह बिजी करने के लिए लेकर जाती है। पर हम देखते हैं इस चक्कर में रात हो जाती है। तब अन्या गुस्से से खाना खाते हुए सोच रही होती है, मैं तो फादर को दूर ही नहीं कर पाई हूँ और मुझे इसमें इतना मजा आया है कि मैं तो मॉम के बारे में भूल ही गई थी। तब लॉयड अन्या के फेस को देखकर सोचता है कि आखिरकार ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, मुझे तो लगा था यहाँ पर सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंगली हुआ है, तो आखिरकार ये ऐसा फेस क्यों बना रही है जैसे कि इसे ऐसा कुछ मिला ही ना हो। क्या मैंने कोई गलती की है? पर रुको ट्विलाइट, तुम्हें इसे ध्यान से सोचना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फोर्जर फैमिली जल्द ही टूट जाएगी। तब लॉयड अन्या का हालचाल पूछता है। तब अन्या सोच रही होती है कि मैं तो फादर को परेशान कर रही हूँ, और कहती है कि अन्या बिल्कुल ठीक है और मुझे एडवेंचर में बहुत ज्यादा मजा आया है, पर मैं माँ के बिना अकेला महसूस कर रही हूँ और अन्या को तब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब फादर और मदर इकट्ठे होते हैं। तब लॉयड कहता है, तुमने सही कहा, काश योर भी यहाँ आ सकती, लगता है हमें योर से पूछ लेना चाहिए कि कल वो फ्री है या नहीं। तब अन्या कहती है, क्या आपको पता है कि मॉम कहाँ है? तब लॉयड कहता है, मैं ये तो नहीं जानता पर मैं यहाँ के स्टाफ के द्वारा उसे ये मैसेज डिलीवर करवा सकता हूँ, और अगर हमें कोई जवाब मिलेगा तो हम उससे कल मिल सकते हैं। और हाँ, आज रात शिप पर फायरवर्क्स होने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि योर भी यहाँ पर जरूर आएगी, पर मुझे ये नहीं पता कि हम उसे ढूंढ भी पाएंगे या फिर नहीं, पर अगर तुम ट्राई करना चाहती हो तो हम वहाँ जा सकते हैं। तब अन्या इस चीज को लेकर एक्साइटेड हो जाती है, और हम देखते हैं उस इवेंट में असैसिन्स भी घूम रहे होते हैं, और तब यहाँ डायरेक्टर योर को फोन करता है। तब योर कहती है, हमें पता चला है कि आपको डेस्टिनेशन पर ले जाने वाली शिप तैयार है और वो अब से 4 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगी, और अब यहाँ पर एनिमीज का घेरा भी कम हो रहा है, तो इसलिए हमें इस रूम को छोड़कर कहीं और जाना होगा और आप लोगों को अपने क्लोथ्स और विग्स को भी चेंज करना होगा। और तब यहाँ वो असैसिन इन्फॉर्मेट से इन्फॉर्मेशन मांगता है। तब वो पर्सन कहता है, हमें अभी अभी एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के बारे में पता चला है जो कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से था। तब वो असैसिन कहता है, सबको इन्फॉर्म कर दो कि सभी लोग स्टेज 3 पर पहुंच जाएं और उन्हें ढूंढे। और तब यहाँ योर भी उन तीनों को लेकर रूम से बाहर आ जाती है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, इस एपिसोड की अगर बात की जाए तो मैं कहूँगा एपिसोड अच्छा था, और अगर मैं बात करूँ इसके विजुअल्स की तो यार इसके विजुअल्स सच में बहुत अच्छे थे। जब वो वाला शिप वाला सीन आता है ना, तो सच में मुझे लगा कि जिन्होंने भी इसे एनिमेट किया ना, सच में बहुत मेहनत की है। और गाइस, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ योर और लॉयड को एक दूसरे की सच्चाई के बारे में पता लगेगा, असली मजा तो उस दिन। बाकी आपके क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा देना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।